गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम रेशनल नंबर्स की कुछ आगे की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, जिसमें कुछ खास प्रॉपर्टीज हैं। सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी, सेकंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और थर्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में सबसे पहले हम देखने चल रहे हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। तो पहले ये देखते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है। नाम जैसे सजेस्ट कर रहा है कि क्लोजर का मतलब है कि क्लोज्ड होना, यानी कोई भी चीज़ बाहर से अंदर नहीं आना और अंदर से बाहर नहीं जाना। तो क्लोजर प्रॉपर्टी का मैथ्स के टर्म में क्या मतलब है, ये उसको देखते हैं, और ये किन किन फंक्शंस के लिए क्लोज्ड होगा वो देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एक मैथमेटिकल टर्म में इसकी डेफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं कि अगर सपोज कर लें कि ए और बी, सपोज करते हैं कि अगर ए और बी दो रेशनल नंबर्स हैं और अगर स्टार एक फंक्शन है, ये स्टार क्या हो सकता है हमारा, एडिशन भी हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन भी हो सकता है, ये फंक्शन है। तो अगर स्टार हमारा कोई फंक्शन है, एक जनरल जो चीज़ें स्टार पे लागू हो रही हैं, स्टार मतलब हमने चाहे प्लस लिया तो हमारा स्टार क्या हो जाएगा, प्लस, मल्टीप्लिकेशन लिया तो स्टार क्या हो गया, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, एंड सो ऑन। तो ए और बी अगर दो रेशनल नंबर हैं और इन सारे ए और बी के लिए अगर ऐसा हो जाए कि ए स्टार बी भी जो है वो रेशनल नंबर हो, तो उस स्टार के लिए ये फंक्शन क्लोज कहलाएगा। मैथमेटिकली इस डेफिनेशन को क्या कह सकते हैं हम, इफ़ ए एंड बी आर टू रेशनल नंबर एंड ए स्टार बी इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंगिंग टू रेशनल नंबर्स, यानी सारे ए और बी यानी सारे रेशनल नंबर्स के लिए अगर ऐसा हो कि उस फंक्शन को अप्लाई करने पे, यानी स्टार को अप्लाई करने पे, स्टार मतलब मल्टीप्लिकेशन, सपोज करिए कि ए इंटू बी की बात कर रहे हैं हम, अगर हम मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं तो ए इंटू बी हमेशा हमको क्या मिले, एक रेशनल नंबर मिले, चाहे वो कुछ भी हो, ए जो भी नंबर हो लेकिन रेशनल होना चाहिए, बी जो भी नंबर है वो रेशनल होनी चाहिए। तो किन्हीं भी दो रेशनल नंबर के लिए अगर हम मल्टीप्लिकेशन करें तो हमको क्या मिले, वो रेशनल नंबर मिले, तब हम कहेंगे कि मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या है, वो रेशनल नंबर क्लोज्ड है। ऐसे ही अगर एडिशन की बात करते हैं, स्टार हमारा क्या हो गया, एडिशन, तो हमारे लिए क्या होना चाहिए कि ए और बी अगर दो रेशनल नंबर हैं और इनका एडिशन यानी ए प्लस बी, तो ये क्या होना चाहिए, रेशनल नंबर होता है। सारे रेशनल नंबर का सम क्या होता है, एक रेशनल नंबर होता है, इसलिए क्या है, क्लोज्ड है। सब्ट्रैक्शन में भी आके देखते हैं, अगर हम सब्ट्रैक्शन में देखें तो ये प्रॉपर्टी होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स पे लागू नहीं होती है। क्लोजर प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के लिए होल नंबर और नेचुरल नंबर्स पे लागू नहीं होती है, लेकिन इंटीजर्स में और रेशनल नंबर्स में आएंगे तो ये लागू होती है। अब अगर देखते हैं कि किन्हीं भी दो रेशनल नंबर को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो भी हमको जो मिलती है वो हमेशा क्या मिलती है, एक रेशनल नंबर मिलती है। इसलिए रेशनल नंबर जो है वो सब्ट्रैक्शन के लिए क्या है, क्लोज्ड है। क्लोजर के लिए आपको सिर्फ यही देखना है कि उस प्रॉपर्टी को, प्रॉपर्टी कौन सी हमको देखनी है, फंक्शन कौन सा देखना है हमको, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन, यही चार फंक्शन अभी आपके लेवल पे आपको पढ़ाया गया है। इन चारों के लिए हमको अलग अलग देखना है कि जब हम ये फंक्शन यूज कर रहे हैं तो उसके बाद हमको क्या मिलता है। अगर रेशनल नंबर ही मिला तो रेशनल नंबर क्या कहलाएगा, क्लोज, लेकिन सिर्फ एक के लिए नहीं, ये सारे सारे रेशनल नंबर्स के लिए लागू होना चाहिए, तभी हम कह सकते हैं। तो ऐसा होता है, आप सारे रेशनल नंबर के लिए चेक नहीं कर सकते हो, इसलिए पहले से ही चेक किया हुआ है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन, इन तीनों के लिए क्या होता है, रेशनल नंबर क्लोज होता है, लेकिन डिवीजन के लिए क्लोज नहीं होता है। डिवीजन के लिए क्यों क्लोज नहीं होता है, अगर उसको जाने हम समझना चाहें तो बताते हैं। डिवीजन में एक नंबर होती है जीरो, जीरो पे डिवीजन डिफाइंड नहीं होता है, चूँकि जीरो एक रेशनल नंबर है, जीरो एक रेशनल नंबर है, और जब भी जीरो से डिवीजन आएगा तो वहाँ पे डिवीजन डिफाइन नहीं होने की वजह से ये प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी लागू नहीं होगी।
हाँ अगर हम जीरो को निकाल के देखें तो बाकी सारे रेशनल नंबर्स के लिए डिवीजन भी क्या हो जाता है, डिवीजन को भी लेकर के रेशनल नंबर क्लोज हो जाता है अगर जीरो को बाहर किया जाए, लेकिन ऐसा कर नहीं सकते। नेक्स्ट आइए देखते हैं कमूटेटिव प्रॉपर्टी। कमूटेटिव प्रॉपर्टी को अगर हम देखें तो यहाँ देखें फंक्शन में हमने लिखा है ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए। अगर यहाँ स्टार क्या है हमारा, प्लस भी हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है, माइनस और डिवीजन भी हो सकता है। अब हमको चेक करना पड़ेगा कि क्या क्या हो सकता है। तो हमको पता है कि अगर देखें तो दो रेशनल नंबर्स का सम देखना है तो वो क्या होगा, रेशनल नंबर ही होता है लेकिन उसके सम पे ऑर्डर का कोई असर नहीं पड़ता। चाहे हम 1/2 प्लस 3/2 लिखें तो ये बराबर क्या हो जाएगा, 1/2। अगर इसको हम देखना चाहें यहीं लिख करके देख सकते हैं कि जैसे 1/2 प्लस हमने लिख दिया 3/2 ये इक्वल टू 3/2 प्लस 1/2 के होगा। तो ये ऑर्डर के चेंज का कोई फर्क नहीं पड़ता है रेशनल नंबर में। इसी प्लस की जगह मल्टीप्लिकेशन भी यूज कर लेते तो 1/2 इंटू 3/2 इक्वल टू 3/2 इंटू 1/2 ही होता। तो जब इस ऑर्डर चेंज का कोई फर्क नहीं पड़ता है तो प्रॉपर्टी क्या होती है, कमूटेटिव होती है। ये दो फंक्शंस के लिए केवल होगा, एडिशन के लिए और मल्टीप्लिकेशन के लिए, ठीक है। ये नेगेटिव यानी सब्ट्रैक्शन के लिए और डिवीजन के लिए ये लागू नहीं होती कमूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक। क्यों नहीं होती अगर इसको देखना चाहें तो आइए देखते हैं हम यहाँ पे कि 1/2 माइनस 3/2, अगर हमने क्या लिया 1/2 माइनस 3/2 डज नॉट इक्वल टू 3/2 और माइनस 1/2, ये दोनों अलग अलग नंबर्स हैं आप जानते हैं, इसीलिए यहाँ पे प्रॉपर्टी लागू नहीं होती है। ऐसे ही हम चेक कर सकते हैं डिवीजन के लिए भी ये प्रॉपर्टी लागू नहीं होगी, ठीक। तो कम्यूटेटिव किसके किसके लिए है, एडिशन के लिए और मल्टीप्लिकेशन के लिए। अब एक और प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इसको हम देख सकते हैं कैसे, ए स्टार ब्रैकेट में बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी ब्रैकेट में। कहने का यहाँ सिर्फ इतना मतलब होता है कि पहले हम यहाँ इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे जब, तो बी के साथ में सी का फंक्शन देखा जाएगा, बी और सी का फंक्शन, और इसमें ए और बी का फंक्शन पहले देख रहे हैं, ठीक है ना। यानी किसको किसके साथ एसोसिएट, यानी किसको किसके साथ में हम टेक कर रहे हैं, किसको किसके साथ में ले रहे हैं, ठीक है। तो अब आइए देखिए, ये चीज़ भी होनी चाहिए, ध्यान दीजिएगा, फॉर ऑल ए बी सी, सारे ए बी सी के लिए, यानी सारे नंबर्स जो किसमें हों रेशनल नंबर्स में, अगर सबके लिए ये लागू हो तभी होगा। तो इस केस में भी हम देखेंगे ये एडिशन के लिए और मल्टीप्लिकेशन के लिए एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी लागू होती है, उस पर लागू होगी, लेकिन इस पर लागू नहीं होगी, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन पे लागू नहीं होगी। आज अभी हमारा मेनली फोकस किस चीज़ पे रहेगा, क्लोजर प्रॉपर्टीज की कुछ चीज़ें, और नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे किसको, कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन करेंगे। भाई क्लोजर प्रॉपर्टीज के कुछ रिजल्ट्स देखते हैं। पहला रिजल्ट क्या है, सम ऑफ द टू रेशनल नंबर्स इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर। क्लोजर प्रॉपर्टी यही कह रही थी कि अगर सम के लिए फॉलो होगी तो दो रेशनल नंबर का सम हमेशा क्या होगा, रेशनल। अगर मल्टीप्लिकेशन के लिए फॉलो होगी तो दो रेशनल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, हमेशा रेशनल। और डिफरेंस के लिए भी चूंकि फॉलो होती है तो दो रेशनल नंबर्स का डिफरेंस भी क्या होगा, ऑलवेज एक रेशनल नंबर होगा। तो ये तीन रिजल्ट निकल के आते हैं कि सम ऑफ द टू रेशनल नंबर्स इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर, और डिफरेंस ऑफ द टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर, ठीक है ना। तो क्लोजर प्रॉपर्टी इनके लिए फॉलो होती है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे। थैंक्स।